हैशटैग इंडियन की फूड जर्नी में हम लोग चले हैं सीपी में। सीपी में हम ढूंढेंगे भोगल के छोले भटूरे। भोगल के छोले भटूरे हैं सीपी में, बहुत मशहूर। तो चलते हैं, ट्राई करते हैं भोगल के छोले भटूरे। आखिर हम फाइनली आ गए यार यहाँ पे। इतनी देर से ढूंढ रहे थे हम भैया को भोगल के छोले भटूरे। देख सकते हो सामने, बोला मैं छोले भटूरे, मटर कुलचे, छोले राइस, लेकिन अभी राइस खत्म, सिर्फ छोले भटूरे और मटर कुलचे। ओके, 7 डेज ऑफर होता है। 7 डेज ऑफर कर दो हमारे लिए। अच्छा, सही है। कब देखते हैं और ट्राई करते हैं भैया के छोले भटूरे। देख सकते हैं आप छोले भटूरे की स्टफिंग, देख सकते हो पनीर डाला हुआ है छोले भटूरे में, यार गर्म है काफ़ी। देख सकते हो आप छोले भटूरे अभी अभी बनाए गए, ठीक है। लेंगे थोड़ा सा प्याज और छोले के साथ। वन ऑफ द बेस्ट छोले भटूरे। भटूरे लिए और लस्सी लिए, ठीक है। जिसको लस्सी ट्राई करनी है लस्सी अलग से भी ले सकता है, ठीक है। नहीं तो पूरे साथ मिला करके लेना है तो 75 के छोले भटूरे हैं और 50 की लस्सी है, ठीक है। ट्राई करके देखते हैं लस्सी कैसी रहेगी। तो काफ़ी हाइजीनिक है। सच में बहुत स्वीट है। जो स्पेशलिस्ट है हमारी वो छोले डिफरेंट है सबसे। सबसे क्यों? किसी से टेस्ट मैच नहीं करता हमारा। अच्छा, बिल्कुल ही अलग छोले के अंदर। अच्छा, और मटर कुलचे होते हैं छोले रहते हैं। अच्छा, तो मतलब जो छोले बनाते हो मतलब बिना प्याज वाले, जैसे कोई प्याज ना? प्याज होती है हमारे छोले में। अच्छा, होती है मतलब वो इतनी चक्कर नहीं थे। कच्ची प्याज है वो कोई कहता नहीं चाहिए तो वो रखते रहती है। अच्छा, तो यार देख सकते हो जिनको भी भैया के छोले भटूरे ट्राई करने हैं वो आ सकते हैं। भैया से लोकेशन जानने का, लोकेशन बता दो। सिंधी हाउस कनॉट प्लेस, जनपद रोड लगता है। अच्छा। जनपद के साथ में।